हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम अनबॉक्स करने वाले एक बहुत ही बढ़िया एक्शन कैमरा, जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K एट 30 FPS, और ये आपको मिल जाता है एट द प्राइस रेंज ऑफ 9999। और गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइस, ये है कैसो कंपनी का एक्शन कैमरा। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा ये एक्शन कैमरा। ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ उसकी ब्रांडिंग दी है। उसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, जो है V50X, और नीचे की तरफ आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर्स, और वो एक्चुअल एक्शन कैमरा यहाँ पे आपको देखने मिलता है, और काफ़ी बढ़िया पैकिंग यहाँ पे प्रोवाइड की है। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ फीचर, जैसे ये 4K रिकॉर्ड कर सकता है, वाइड एंगल लेंस यहाँ पे आपको देखने मिलती है, 2 इंच की IPS स्क्रीन देखने मिलती है, वाईफाई और वाटर रेजिस्टेंट। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कई सारे स्पेसिफिकेशन, जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और बॉक्स की दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है रिमोट कंट्रोल का फंक्शन। सो ये सारे कंटेंट्स आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिलती है ये बैटरी, जो है 1350 mAh की बैटरी, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और यहाँ पे आपको एक नहीं बल्कि दो दो बैटरीज प्रोवाइड की है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका रिमोट, जिसकी हेल्प से आप वीडियोस और फोटोज रिकॉर्ड कर सकते हो रिमोटली। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है उसका चार्जिंग स्टैंड, जिसमें एट अ टाइम आप दोनों भी बैटरीज को चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये है वो एक्शन कैमरा। सो यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं वाटरप्रूफिंग केस। सो यहाँ पे जो आगे की फिल्म है, हम उसे रिमूव करते हैं, और अभी हम इस कैमरा को इस केस के अंदर से रिमूव करते हैं। सो गाइज, ये है वो मेन कैमरा। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स। कैमरा के आगे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है पावर ऑन का बटन, उसकी ब्रांडिंग और मेन वाइड एंगल लेंस। कैमरा के साइड में आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, SD कार्ड का स्लॉट और मिनी HDMI पोर्ट। और कैमरा के साइड में यहाँ पे आपको देखने मिलता है जूम इन प्लस वॉल्यूम अप, जूम आउट प्लस वॉल्यूम डाउन का बटन और एक स्पीकर। और कैमरा के ऊपर की तरफ आपको देखने मिलते हैं LED लाइट इंडिकेटर, शटर बटन और माइक्रोफोन। कैमरा के नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है ट्राइपॉड माउंट और बैटरी स्लॉट। और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी मेन 2 इंच की IPS टच स्क्रीन और एक रिकॉर्डिंग इंडिकेटर। सो गाइस, यहाँ पे हम अभी करते हैं इसे पावर ऑन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आपको देखने मिलता है रिकॉर्डिंग इंडिकेटर, प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है सेटिंग्स का ऑप्शन, वीडियो कौन से फॉर्मेट में है, माइक का ऑप्शन, कितना टाइम आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और बैटरी इंडिकेटर। तो अभी हम जाते हैं सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलता है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे डिफरेंट रेजोल्यूशंस देखने मिलते हैं, जैसे कि 4K एट 30 FPS, 2K एट 60 FPS, 1080p एट 90 FPS, 720p एट 120 FPS और 30 FPS। प्लस जैसे नीचे हम सेटिंग्स में जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज क्वालिटी है, आप उससे भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि 12 MP, 5 MP, 8 MP। फिर यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग टाइम, फिर टाइम लैप्स फोटोज, बर्स्ट मोड, सीन, एक्सपोजर वैल्यू, ISO, कई सारी चीज़ें हैं गाइस, आप इसमें सेटअप कर सकते हो। प्लस यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में आप देख सकते हो गायरोस्कोप आप टर्न ऑन कर सकते हो, वीडियो एनकोड, स्लो मोशन, स्टिल फोटोज, स्टिल फोटो टाइम, टाइम इंटरवल, ISO, कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हो। और सेटिंग्स में यहाँ पे आपको साउंड, डिस्टॉर्शन, कैलिब्रेशन, एंगल एडजस्टमेंट। सो एंगल एडजस्टमेंट बेसिकली आपकी जो लेंस का वाइड एंगल है उसे आप एडजस्ट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो 70 डिग्री से लेके 170 डिग्री तक आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है ड्राइविंग मोड और कई सारे और मोड्स आपको देखने मिलते हैं। और जितने भी सारे इमेजेस आपने क्लिक किए या फिर रिकॉर्ड किए, वो सारे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो साइड में बटन है उसकी हेल्प से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और अगर आपको फोटो मोड में स्विच करना है, तो बस आपको स्लाइड करना है कुछ इस तरीके से, और आप फोटो मोड में स्विच हो सकते हो। तो अभी हम टर्न ऑन करते हैं इसका वाईफाई। तो वाईफाई को टर्न ऑन करने के लिए बस आपको जो वॉल्यूम अप बटन है उसे प्रेस करके रखना है, और आप देख सकते हो जो वाईफाई है वो टर्न ऑन हो चुका है।
सो अभी हम करते हैं इसका एप्लीकेशन डाउनलोड। तो ये है उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो जैसे हम इसे डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड रिकॉर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपको वाईफाई टर्न ऑन करके इसके वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसका वाईफाई आ चुका है, तो हम सारे पासवर्ड वगैरह हर एक चीज़ एंटर करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम ऐड रिकॉर्डर पे क्लिक करते हैं, आपको जो रिमोट फुटेज है वो यहाँ पे दिखेगा इमीडिएटली। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिमोट फुटेज है वो आ चुका है और काफ़ी बढ़िया, कोई भी डिले यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलता है। और प्लस आप रिमोटली इसकी हेल्प से वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस अगर आपको इमेजेस क्लिक करने तो आप इमेजेस भी क्लिक कर सकते हो। और प्लस इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कुछ देखने नहीं मिलता है, बस आप फोटोज़ इमेजेस को यहाँ पे देख सकते हो और जो लाइव फुटेज है उसे आप देख सकते हो। और वाईफाई टर्न ऑफ करने के लिए बस आपको एक बार ही वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करना है और आप देख सकते हो वाईफाई टर्न ऑफ हो चुका है। प्लस इसके साथ आपको देखने मिलता है रिमोट, जिसकी हेल्प से आप रिकॉर्ड मतलब वीडियो रिकॉर्ड और इमेजेस क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे टर्न ऑन करते हैं। आप देख सकते हो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो टर्न ऑन हो चुका है और अगर आपको स्टॉप करना है तो वापस उसी बटन को प्रेस करना है। और अगर आपको इमेजेस क्लिक करना है तो आपको जो इमेज का बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो जो फोटो मोड में है ये स्विच ऑन हो चुका है, तो यहाँ से आप इमेजेस भी क्लिक कर सकते हो। हे गाइस, सो अभी ये जो वीडियो है मैंने इंडोर रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हो अभी फिलहाल हूँ मैं यहाँ पे स्टूडियो में और बेसिकली मैंने ये ब्लॉगिंग फॉर्म में यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। सो आई होप यहाँ पे जो क्लियरिटी है वो ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे मैंने कोई भी ट्राइपॉड नहीं यूज़ किया है, सिर्फ हाथ में मैंने पकड़ा इसे। सो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो वो है 4K एट 30 FPS और यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट नहीं किया है, ये कैमरा के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। और ये काफ़ी हाइट पे, आप देख सकते हो मैं काफ़ी हाइट पे खड़ा हुआ अभी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विंड है। सो आई होप यहाँ पे भी जो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और गाइस ओवरऑल इसकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा इस एक्शन कैमरा का अनबॉक्सिंग, गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके वीडियो क्वालिटी की। सो इसकी जो वीडियो क्वालिटी थी काफ़ी बढ़िया थी और इसकी इमेज क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी। 4K एट 30 FPS में थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे एक्सपोजर का इशू लगा, बट 2K एट 60 FPS और 1080p एट 60 FPS काफ़ी डिसेंट था। आउटडोर में भी आप देख सकते हो जो स्टेबिलिटी थी वो भी काफ़ी बढ़िया थी जैसे ही मैंने स्टेबिलाइजेशन ऑन किया। सो गाइज ओवरऑल कैमरा काफ़ी बढ़िया था और स्पेशली इसका माइक, मुझे लगा नहीं कि आउटडोर कंडीशंस में भी इतना बढ़िया तरीके से इसका माइक रिकॉर्ड करेगा, बट गाइज काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने रिकॉर्ड किया है। बस इसमें मुझे एक ही ड्रॉबैक ये लगा कि इसमें कोई एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है 2 इंच की TFT LCD जो है टच स्क्रीन, जिसकी हेल्प से आप सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। और प्लस इसकी जो लेंस है उसकी हेल्प से आप इसका जो वाइड एंगल है उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। सो गाइस ओवरऑल कैमरा के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे एसेसरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, रिमोट कंट्रोल भी इसके साथ आपको देखने मिलता है, प्लस वाईफाई का भी ऑप्शन इसमें देखने मिलता है जो एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है। प्लस इसमें जो मेमोरी कार्ड सपोर्ट है वो है 64GB का मेमोरी कार्ड सपोर्ट, जो बहुत ही बढ़िया है। और गाइज ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये एक्शन कैमरा है इस प्राइस रेंज में। और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे 4K at 30 FPS भाई 5000 में भी मिल जाता है, बट गाइज ये एक ब्रांडेड कैमरा है और इसके साथ आपको देखने मिलती है वारंटी। सो गाइज वो कंसिडर करने वाली बात है और सिर्फ 9999 में आपको ये डिवाइस देखने मिलता है। सो गाइज मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया ये एक्शन कैमरा है और अगर किसी को इस एक्शन कैमरा को परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।